हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स 2। हम ल्यूसेंट बुक का धार्मिक आंदोलन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। दो वीडियो उसकी हो चुकी है, ये फाइनल वीडियो है। इसमें हम धार्मिक आंदोलन से जुड़े 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्यादवाद सिद्धांत है? एंड द आंसर इज जैन धर्म का। स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? एंड द आंसर इज 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? एंड द आंसर इज विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? एंड द आंसर इज सांची। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? एंड द आंसर इज छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? और आंसर होगा स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? आंसर होगा नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। नेक्स्ट, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? एंड द आंसर इज पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? एंड द आंसर इज वल्लभी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? एंड द आंसर इज प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि। जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 11, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है वसुमित्र ने। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में एक बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? आंसर इज धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आंसर है नागसेन। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा को और किस अन्य नाम से जानते हैं? आंसर है पद्मपाणी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा को पद्मपाणी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? एंड द आंसर इज देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियों के चार आयोजकों का सही क्रम है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इस क्रम में बौद्ध संगीतियों के चार आयोजक थे जिन्होंने बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया था। क्रम यही है, अजातशत्रु सबसे पहले, फिर कालाशोक, फिर अशोक और अंत में कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? एंड द आंसर इज ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋग्वेद में इन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव जी और अरिष्टनेमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? एंड द आंसर इज पावा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? एंड द आंसर इज सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? एंड द आंसर इज जैन धर्म से। अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। जैन धर्म, जैन ग्रंथ के जो कल्प सूत्र हैं, यानी जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है कल्प सूत्र, उसके रचयिता हैं भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? एंड द आंसर इज हेमचंद्र। हेमचंद्र के द्वारा ही जैन धर्म से संबंधित परिशिष्ट पर्व की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? एंड द आंसर इज भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ जी के द्वारा चार महाव्रत प्रतिपादित किए गए थे, लेकिन महावीर स्वामी ने उसमें एक पांचवा महाव्रत भी जोड़ा था जो कि था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? एंड द आंसर इज गुजरात के चालुक्य। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? एंड द आंसर इज शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? एंड द आंसर इज बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध में वैराग्य भावना जिन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई वो थे बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 29 इज बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? एंड द आंसर इज श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? अश्वघोष। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को, और इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 31, महाभाष शास्त्र के रचयिता हैं? आंसर इज वसुमित्र। महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी गई है? धम्मपद। धम्मपद जो कि एक बौद्ध रचना है उसे गीता के समान पवित्र माना गया है। क्वेश्चन नंबर 33, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व किसे माना गया है? एंड द आंसर इज मैत्रेय। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? एंड द आंसर इज कनिष्क। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में स्पष्ट रूप से विभाजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 इज, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? आंसर इज मैत्रेयनाथ। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? आंसर इज हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 इज, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? एंड द आंसर इज महायान। दक्षिण भारत में हीनयान, दक्षिण भारत की ओर के देशों में हीनयान और उत्तर की ओर के देशों में महायान जो कि बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है प्रचलित हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 इज, बौद्ध धर्म का मूल आधार है? एंड द आंसर इज चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूल आधार चार आर्य सत्य हैं। क्वेश्चन 39, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? एंड द आंसर इज बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 40, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया था? एंड द आंसर इज बंगाल के पाल वंश ने। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल वंश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? एंड आंसर इज जैन संप्रदाय का। अनेकांतवाद जैन संप्रदाय का केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? एंड आंसर इज बाहुबली। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है और बाहुबली के लिए ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। जातक जो कि एक बौद्ध साहित्य है वह बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? आंसर इज सार्वभौमिक सत्य से। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? एंड द आंसर इज बोधगया। बोधगया जो कि बौद्धों का एक पवित्र स्थल है निरंजना नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 46 इज, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? एंड द आंसर इज आलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु आलार कलाम थे। क्वेश्चन नंबर 47 इज, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? एंड द आंसर इज कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट,
अशोका राम विहार किस स्थान पर स्थित है? एंड द आंसर इज पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोका राम विहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? एंड द आंसर इज चंदना। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। और फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? एंड द आंसर इज किसी को भी नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर था हमारा धार्मिक आंदोलन। इसके 3 वीडियो की सीरीज़ में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और टोटल आई थिंक 100 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा स्टैटिक जीके का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे और उसके सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।